अखिल अकिनेनी और पूजा हेगड़े ने फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शूटिंग फिर से शुरू की। एक्टर अखिल अकिनेनी और पूजा हेगड़े ने हैदराबाद में अपनी आगामी फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। मुख्य कलाकारों ने अपनी एक तस्वीर साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया और आश्वासन दिया कि वे फिल्म के सेट पर सभी सावधानी बरत रहे हैं। दोनों अभिनेताओं ने यह भी कहा कि बस हम ही हैं जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शूटिंग स्पॉट पर फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं। अखिल ने अपने कैप्शन में लिखा, वे फिर से काम करके बहुत खुश है। उन्होंने लिखा, आखिरकार काम करने के लिए क्या महसूस करना चाहिए। जीवन आगे बढ़ता है और यह बहुत अच्छा लगता है। सुशांत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, ड्रग जब्त की। पूजा हेगड़े ने अखिल के साथ एक मनमोहक तस्वीर साझा की और लिखा कि वे फिल्म के सेट पर अकेले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे एक रोमांटिक ड्रामा शूट कर रहे हैं, जहां अखिल अकिनेनी को बैंगनी रंग की शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहने देखा जा सकता है, वहीं पूजा हेगड़े ने डेनिम जंपर सूट पहना है। फोटो को साझा करते हुए पूजा ने लिखा, कोरोना के समय में रोमांटिक कॉमेडी की शूटिंग करने की कोशिश में केवल 2 लोगों ने सामाजिक दूरी नहीं बनाई। मोस्ट एलिजिबल बैचलर बोमारिल भास्कर द्वारा निर्देशित गर्मियों में 2020 को सिनेमाघरों को हिट करने के लिए स्लेट किया गया था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया। अब यह अफवाह है कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर के निर्माताओं ने मकर संक्रांति 2021 पर फिल्म रिलीज करने का फैसला किया है। इस पर आधिकारिक पुष्टि जल्द ही होगी। GA2 पिक्चर्स द्वारा निर्मित मोस्ट एलिजिबल बैचलर में गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। फिल्म के तकनीकी दल में छायाकार प्रदेश वर्मा और संपादक मारतंड के वेंकटेश शामिल हैं।